स्वागत एक बार फिर से आपका और फटाफट अगले चार स्टॉक्स में एक छोटी सी आईटी कंपनी के सॉल्व जिसने अपने कल रिजल्ट पेश किए 44% रेवेन्यू क्लॉक किया उन्होंने और 46% का एबिटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली भी है। पैट में भी 44% की ग्रोथ देखने को मिली, ग्रीन में रख सकता है इसको। सेनको गोल्ड लिस्टिंग के बाद बढ़िया प्रदर्शन और अभी भी अपने जो इमीडिएट पेयर हैं इनके कल्याण ज्वेलर्स थंगा माइल उनके मुकाबले ये काफ़ी नीचे है, करीब 30% डिस्काउंट पर चल रही है। अगर आप टाइटन को हटा दें तब भी काफ़ी डिस्काउंट पर है, मजाक तो देख सकते हैं इसको। नाइन्थ स्टॉक है मोंटे कार्लो और इन्होंने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है उसमें 20% में YOY ग्रोथ है, 136 करोड़ के आसपास है और जिन्होंने अपने स्टोर्स नए खोले एक्सक्लूसिव जो सिर्फ मोंटे कार्लो के हैं उनकी संख्या है 11, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और आपको बता दूँ जाड़े के जो कपड़े की बुकिंग है ना वो सब मई जून में हो जाती है, तो उसी से अंदाज़ा लगता है कि आपका विंटर सीजन की सेल क्या होने वाली, तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और 10वां स्टॉक है साइन डीएम, इस पर ध्यान रखिएगा एक कंपनी की का IPO भी आने वाला है वेब करके जिसको है जो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग है और इस सेगमेंट में लगता है अच्छी तेज़ी रहेगी, तो साइन डीएम को एक बार ग्रीन में रखा जा सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट लाल रखा है मैंने, अब इसमें रेवेन्यू मोमेंटम बढ़िया 18% पर रेवेन्यू वगैरह जो मोमेंटम है ये तो हमें क्वार्टर अपडेट्स में ऑलरेडी मिल चुका है, हमें क्या नहीं मिला था ऑपरेशनली कैसी परफॉर्मेंस है ना या मुनाफे का आंकड़ा क्या है, वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। इस कंपनी के बीटा मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हो गए 10 वाले 8.7% साल दर साल, इस तरह का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है और ये मार्जिन सबड्यूड से या कॉन्ट्रैक्ट होते हुए काफी लंबे समय से चला जा रहा है, तो दिक्कत वाला है। और इसीलिए मुनाफा जो है जब आए 18% बढ़ी थी तो मुनाफा केवल 2.5% बढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्शन मेनली रिस्पॉन्सिबल। अब अलग अलग रीजन हर्षदा आज सुबह बोल रही थी, वो मर्केंडाइज और अपैरल्स की सेल्स थोड़ी सी रिड्यूस हुई उससे लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी रीजन हो मेरे पास जो तस्वीर नहीं थी वो ऑपरेशन की थी, ऑपरेशन वीक है, इसको मैं लाल रख रहा हूँ, पर खैर अपनी चाल चलता है, स्टॉक ज़रा वॉच आउट करेंगे। करूर वैश्य बैंक को ग्रीन लेके चल रहा हूँ, अच्छी खबर है जो MD साहब हैं करंट श्री बी रमेश बाबू साहब, उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी। अब मतलब बेसिकली सेकेंड टर्म 3 साल का मिलता हुआ जो कि 29 जुलाई से इफेक्टिव है, कंटिन्यूटी होगी। पिछले कुछ समय करूर वैश्य बैंक जैसे जनरली सारे बैंक अच्छा कर रहे हैं तो स्ट्रीट का थोड़ा कन्विक्शन रहेगा, इस होप में ग्रीन रख दिया इस स्टॉक को, तो करूर वैश्य बैंक इन ग्रीन लेके चल। पतंजलि फूड्स, ये पिछले हफ्ते खबरों में था, प्रमोटर्स OFS के जरिए अपना स्टेक रिड्यूस करना चाहते थे, पिछले हफ्ते थर्सडे को पहले वो आया था नॉन रिटेल के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, उसके बाद हुआ क्या, मेरे ख्याल से वो नॉन रिटेल का हिस्सा 200 पर 2 गुना भरा था, पर शाम को अपडेट आया कि हम ग्रीन शू ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो 9% की जगह 7% स्टेक रिड्यूस करेंगे। उसके बाद फ्राइडे को रिटेल के लिए खुला स्टॉक, जनरली यही होता है पहले दिन जब इंस्टीट्यूशन के बारी आती नॉन रिटेल की तो पिटता है या डिस्कवरी वगैरह बाजार करने की कोशिश करता है, रिटेल वाले दिन आमतौर पर उछलना शुरू होता है। फ्राइडे को हुआ क्या, इस बीच में कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, अपने स्टेक्स बढ़ाए या लिए हैं। फिडेलिटी की तरफ से लार्ज ट्रेड्स के अपडेट्स हैं, उनके कई सारे आर्म्स, उनके कई सारे फंड्स ने खरीदारी करी। फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम की तरफ से खरीदारी हुई है और FGTBP FIAM करके फंड इसने भी खरीदारी करी, तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए फ्राइडे को लार्ज ट्रेड्स में, इसीलिए इसको ग्रीन रखा है। और फाइनली इरकॉन को ग्रीन ले जाता हूं, कुछ नहीं कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, थोड़ा सा चलने की कोशिश करने की शुरुआत हुई और अपडेट डिसेंट है कि जो श्रीलंका में श्रीलंका रेलवे से जो इनको ऑर्डर मिला था उसके फर्स्ट फेज रेलवे लाइन की कमिश्निंग कर दी गई, वो अपडेट इस कंपनी ने वीकेंड पे बाजार बंद होकर फ्राइडे ऑनवर्ड शेयर किया हुआ, इसीलिए ग्रीन लेके जा रहा हूँ। ये हो गया आज के 10 के टीम्स के लाइनअप्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।